नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निक्स हूँ। आज मैं आपके सामने वीवो की ये आपको V9 ये जो डिवाइस है इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आई है इस डिवाइस के ऊपर कि ये जो डिवाइस है आपको वीवो की जो पुराने जो वेरियंट्स है, जैसे कि आपको वीवो की आपको V7+ थी या वीवो की V7 थी, या फिर इसके जो पुराने और भी जो इसके वेरियंट है इससे अलग कैसे, इसमें नया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपको व्यू की ये जो स्मार्टफोन है V9, इसमें जो सबसे मेन जो USP है वो है इसका डुअल लेंस का कैमरे का सेटअप। ये इसका जो बैक कैमरा है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको डुअल लेंस सेटअप के साथ आता है, जिसमें से कि आपको एक लेंस जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा लेंस है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है। अगर हम यहाँ पे अपर्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक लेंस है उसका जो अपर्चर है, या जो कि आपको 16 मेगापिक्सल वाला है, उसका जो अपर्चर है वो आपको f2.0 है, और जो दूसरा लेंस जो कि आपको 5 मेगापिक्सल का है उसका जो अपर्चर है वो है आपको f2.4। तो ये आपको एक तो सबसे अलग चीज़ है। उसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले है ये देखिए, यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, मैं बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इफेक्टिव है कि नहीं, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मैं टच करता हूँ यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑन हो गया, यानी अनलॉक काफ़ी अच्छा है इस डिवाइस का। तो ये आपको दूसरी क्वेरी होगी कि इसकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर का एरिया है वो कैसा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम जो एक और बात करें, जो कि एक और इस डिवाइस का जो USP है वो है इसका स्क्रीन। आप देख सकते हो इस ये जो डिवाइस है इसके जो स्क्रीन साइज है, आपको देख के नहीं लग रहा हो कि ये डिवाइस काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर मैं बताता चलूँ कि ये जो डिवाइस है इसकी जो स्क्रीन साइज है वो आपको 6.3 इंच की है, जो कि आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि ये जो डिवाइस आपको जो कि इसकी जो स्क्रीन साइज है 6.3 इंच है, लेकिन फिर भी ये आपको देखने में काफ़ी छोटी लग रही है। ये इसलिए लग रही है क्योंकि ये आपको एक ये जो डिवाइस है ये आपको नॉस डिस्प्ले के साथ आता है, और जो इसका जो स्क्रीन का जो रेशियो है ये आपको 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर है। तो यानी ये अगर आप हम बात करें तो ये आपको 19:9 6.3 इसकी इंच इसका स्क्रीन है, और जो एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये आपको 19:9 के ऊपर है। इसके अलावा एक और बढ़िया चीज़ इस डिवाइस के अंदर ये है कि ये जो डिवाइस है ये आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 इसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर ये डिवाइस आपसे गलती से अगर गिर भी जाती है तो ये आपको इसके स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा आपको डैमेज नहीं होगी। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि ये आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के थ्रू प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो कितने का। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में जो फर्स्ट इंप्रेशन के वीडियो में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को था कि एक अलग से वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने बनाया। तो अगर मैं बताऊँ तो इसका जो फ्रंट कैमरा है ये आपको 24 मेगापिक्सल का है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए ये इसका जो फ्रंट कैमरा है, और जो फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये एक बीच में एक मोड है जिसके थ्रू आप पोर्ट्रेट मोड को आप ये देख सकते हो। पोर्ट्रेट मोड या बुके मोड जो है यहाँ पे आपको इनेबल हो जाता है, जिससे कि क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये जो अभी इमेज दिखाता हूँ, जो पीछे की जो इमेज होगी ये देख सकते हो आप पीछे की, ये आपको ब्लर इमेज आ रही है। तो ये चीज़ आप यहाँ से काफ़ी आसानी से कर सकते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को इनेबल करके। तो ये एक काफ़ी एक अलग से खासियत मुझे इस डिवाइस के अंदर लगी। लोगों ने पूछा था कि क्या हम इसके फ्रंट कैमरे से बुके इमेज ले सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ आप ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको फ्लैश दिया गया है, इसके लिए यहाँ पे आपको इनेबल करना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएंगी। उसके अलावा लोगों ने पूछा कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, तो प्रोसेसर मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर क्वालकॉम का प्रोसेसर है, और कौन सा प्रोसेसर है वो है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है। इसके अलावा रैम जो है लोगों ने पूछा कि इसमें रैम जो है वो आपको DDR2 है 3 है क्या है, तो लोगों ने ये बोला कि चलिए आपने बता दिया कि रैम आपको 4GB है। वैसे मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन में बताया है कि इसमें रैम कौन सी है, तो फिर भी मैं बताता चलूँ क्लियर कर दूँ कि रैम जो इस फ़ोन के अंदर है वो है आपको 4GB की रैम लगी है, और ये आपको DDR3 रैम है। तो यहाँ पे आपके ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर DDR3 रैम लगी हुई है, जो कि आपको 4GB की है। इसके अलावा इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर आपको 64GB का है, इसको आप 256GB तक बढ़ा सकते हो वाया मैक्रो SD कार्ड। और अगर हम बात करें कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर OTG है कि नहीं, तो वो मैं बताता चलूँ कि जी हाँ इसके अंदर आपको OTG है, और OTG आप देख सकते हो जैसे आप सेटिंग एरिया के अंदर जाओगे यहाँ पे आपको OTG ब्लूटूथ के ठीक नीचे आपको OTG आता है, इसको यहाँ से आपको इनेबल करना है और OTG आ गया।
कि ये काफी एक सही चीज है कि इन्होंने ज्यादा अंदर कहीं छिपाया नहीं है, ऊपर के ही साइड यहाँ पे इन्होंने ओटीजी दे दी है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की है कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर जो सिम स्लॉट है कितने हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको 3 सिम स्लॉट है, दो आपको 3 स्लॉट्स हैं, दो आपको सिम के लिए है और एक आपको मैक्रो एसडी कार्ड के लिए, जिससे के थ्रू आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो वाया मैक्रो एसडी कार्ड। इसके अलावा ये जो फ़ोन है, एक दो और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसके अंदर बैटरी कितनी दी गई है। तो बैटरी जो है ये आपको 3260 mAh की है, जो कि आपको नॉन रिमूवेबल है। तो क्वेश्चन लोगों का ये काफ़ी लोगों का था कि इसके अंदर जो बैटरी है वो आपको रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है। तो उनका क्वेश्चन का ये आंसर ये होगा कि इसके अंदर जो बैटरी है वो आपको नॉन रिमूवेबल है और वो है आपको 3260 mAh की, यानी 3260 mAh की दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा कि चलो जी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग है कि नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिवाइस है ये आपको फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो डिवाइस है ये आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, यानी ये ओरियो के ऊपर काम करता है, सबसे लेटेस्ट ओएस के ऊपर काम करता है। लेकिन इसके अंदर अपना एक इसका एक यूआई है जो कि आपको फन टच यूआई है, जो कि आपको एंड्रॉयड के ऊपर काम करता है। और उस फन टच जो यूआई है उसका जो वर्जन है वो आपको 4.0 है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 4.2 को ये आपको सपोर्ट करता है। और अगर हम कलर की बात करें, लोगों ने पूछा कि आपने ये जो डिस्प्ले किया है फ़ोन का, जो फर्स्ट इंप्रेशन दिया है, ये तो आपने पर्ल ब्लैक का दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंदर कलर्स हैं तो मैं आपको बताता चलो कि ये जो वीवो की आपको V9 है ये आपको 3 कलर में है। एक तो आपको पर्ल ब्लैक, दूसरा है आपको शैम्पेन गोल्ड और तीसरा है आपको सेफायर ब्लू। तो ये 3 कलर में ये आपको स्मार्टफोन आपको अवेलेबल होगी। अगर हम बात करें और इसके बारे में तो क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो मैं आपको और मैं बताता चलूँ, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी लिख के रखे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या ये जो डिवाइस है ये आपको एनएफसी सपोर्टेड है कि नहीं। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो डिवाइस है ये आपको एनएफसी सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा ये आपको एफएम रेडियो को इसके ऊपर चलेगा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, दो चार लोगों ने पूछा, एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरा मानना है कि कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि जी इस जो स्मार्टफोन जो वीवो की V9 है इसके अंदर आपको एफएम रेडियो है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी ये चाइनीज वेरिएंट है, क्या ये आपको गूगल के सर्विसेज को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। मीन्स चाइनीज वेरियंट नहीं, मीन्स चाइनीज कंपनी के मोबाइल है, और लोगों का कंसर्न है कि भाई चाइना के जो फ़ोन है उसमें गूगल के सर्विसेज यूज नहीं होते। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो आपको वीवो की जो V9 है ये आपको गूगल के वो कौन कौन से सर्विसेज को आप इस फोन के ऊपर यूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको अनलॉक किया, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर दिया गया है, ये आपको गूगल का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपको गूगल है, क्रोम है, जीमेल है, मैप्स है, यूट्यूब है, गूगल की आपको ड्राइव है, प्ले म्यूजिक है, प्ले मूवीज है, गूगल की आपको जो ड्यू ऐप होती है वो भी दिया गया है। इसके अलावा फोटोज करके भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये गूगल की सारी सर्विसेज इसके ऊपर काम करती है, और काम इसलिए करती है क्योंकि इसके अंदर आपको आपको एंड्रॉयड ओरियो ओएस काम करता है। तो ये एक चीज़ थी, तो ये सारी चीज़ें इस डिवाइस के अंदर थी। तो दोस्तों ये मेरा मैंने ट्राई किया था आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक कंपाइल करके, कि वैसे तो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में ये सारी चीज़ें बताई थी, बट बहुत सारे लोगों को अगर समझ में नहीं आया था तो उनके लिए एक अलग से एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर बताया है। इसमें मैंने और कुछ डिवाइस के ऊपर कुछ नहीं बताया कि जी कैमरा कैसा है ये वो, ठीक है। उसके लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखो, ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर कौन सा है, बैक कैमरा क्या है, फ्रंट कैमरा क्या है, स्क्रीन कैसा है, बैटरी कितनी है, फास्ट चार्जिंग है कि नहीं है, एनएफसी सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, गूगल के सर्विसेज है कि नहीं, इस सब चीज़ों के ऊपर ये था। तो होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो जो कि मैंने आपको वीवो की V9 के क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर ये बनाया, होप आपको ये अच्छा लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरा चैनल जो कि टेक्नोटर है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा, तब तक साइन ओवर, टेक केयर, थैंक यू।